एक्स का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो एक्स का पावर 3/2 है और बराबर 8 है। देखिए तो एक्स का मान निकालना है, यानी कि पावर 1 है यहाँ पर, यानी कि कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है, छुपा हुआ। लेकिन यहाँ तो है 3/2, तो इसको कैसे करेंगे? तो जुगा लगाएंगे। देखिए अब 3/2 को क्या चीज़ से गुना करोगे, ये उड़ जाएगा, ठीक है। इसी कार्य से प्रयोग कर व्युत्क्रम, देखिए 2/3 से, 2/3 से करेंगे गुना, इसी का व्युत्क्रम 2/3 से करेंगे गुना, कट गया कट गया कट गया कट गया, एक आया। तो कहने का मतलब क्या है, इसको भी दोनों साइड 3/2 को क्या चीज़ से गुना करेंगे, 2/3 से। अब इधर 2/3 लगाएंगे तो इधर भी 2/3 लगाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, क्योंकि ये 2/3 से ये 2/3 कट गया तो ऊपर का वापस से रिपीट हो गया, क्लियर। तो देखिए हो गया, तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, क्योंकि ये गुना है, एक्स बचा। फिर यहाँ पर ये 8 है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3, क्लियर। फिर यहाँ पर ये चिपका देंगे वापस से, फिर यहाँ पर देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, तो एक्स बराबर 2 बार है ना, तो 2 बार है, यानी कि एक्स का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। दिस इज आवर आंसर, क्लियर। मैंने कैसे किया, मैंने इस सवाल को सबसे पहले उतारा, फिर मैंने देखा कि 3/2 यहाँ पे तो एक्स है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर मैंने सोचा 3/2 को मैं कैसे हटाऊंगा, कैसे मतलब मैं इसको हटा दूंगा, तो फिर मैंने सोचा 3/2 को फिर 2/3 से गुना करेंगे तो हट जाएगा, तो 2/3 देंगे। फिर इधर 2/3 दिया तो इधर भी 2/3 दिया, क्योंकि 2/3 से 2/3 कट जाएगा तो ऊपर का गया। फिर मैंने सोचा कि कोई भी कोष्ट का मतलब गुना होता है, गुना होता है, ठीक है। फिर 3/2 को 2/3 से गुना करेंगे सब कट जाएगा, तो देखिए एक्स बचा, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, ठीक है। फिर बराबर तो बराबर 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3, यानी कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, फिर इसको वापस उतार दिए, फिर ये गुना है वापस से, 3 कट गया, तो एक्स 2 का पावर 2, यानी कि एक्स का मान क्या हो गया, 2 दोनों 4।